क्या आपको पता है कितनी बड़े WWE में चेंजेस आ सकते हैं अगर WWE बिक जाती है डिज्नी के हाथों। ये शायद आपके लिए सुनने में बहुत ज्यादा छोटी बात रहेगी, बट ये बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत सारे बड़े चेंजेस जो कि है वो WWE में आ सकते हैं। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप एक रेसलिंग फैन हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं अरमान। चलिए वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले जो कि हम हिस्ट्री के बारे में बात करें, जो कि हिस्ट्री है वो कुछ इस तरीके से बताती है, जैसे कि पीछे से ही जो कि है डिज्नी ने खरीदा है फॉक्स को। उसी के पहले जो कि WWE टेस्ट थी फॉक्स को खरीदने के लिए, बट जैसे कि स्टेफनी मैकमैन ने क्लियर कर दिया कि वो कंपनी जो है डिज्नी को ही बेचेंगे अगर कभी बेचेंगे। ऑफकोर्स डिज्नी जो कि है इस टाइम काफी ज्यादा फायर पर है और अच्छे पैसे दे रही है, जैसे कि अभी उन्होंने मार्वल सोनी से जैसे कि स्पाइडरमैन खरीद लिया, उसी के साथ मार्वल के कैरेक्टर्स वगैरह जो कि वापस फॉक्स से ला दिए। उसी के साथ अगर हम बात करें जैसे कि क्या हो सकता है इसमें, तो जैसे कि इतना कंप्लीट चेंज हो सकता है, जैसे कि मार्वल के जो कि स्पाइडरमैन के राइट्स थे वो एक्चुअली पहले थे सोनी के पास, उन्होंने सोनी से जो कि है डिज्नी ने खरीद लिए थे स्पाइडरमैन के राइट्स, और डिज्नी ने बिल्कुल चेंज कर दिया स्पाइडरमैन को और एक नई फिल्म की सीरीज के साथ आई स्पाइडरमैन होमकमिंग। वैसा ही कुछ हो सकता है WWE के साथ, जो कि WWE है वो बिल्कुल जो कि है प्रॉफिटेबली चलेगी। जैसे कि अभी तो कंपनी चल रही है बिल्कुल विंस मैकमैन की मर्जी से, उन सबकी पसंद, हम सबकी पसंद से, बट पहले जैसा था वैसा अब नहीं रहेगा अगर मान लो आज कंपनी बिक जाती है। सबसे बड़े जो कि ड्रास्टिक चेंज वो ये आएंगे, कंपनी हाउस शो जो कि है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। कुछ एडवांटेजेस में भी हैं ये, इंडिया में जो कि है साल में 2 या 3 से भी ज्यादा ट्रिप्स जो कि होंगे, इंटरनेशनल ट्रिप्स जो कि प्रॉफिटेबल होंगे वो बार बार WWE करेगी, चाहे वो WWE नहीं होगी चाहे वो होगी डिज्नी ही, बट वो होगी जरूर। बट उसी के साथ अगर हम और बुरी चीजों के बारे में बात करें, तो जो कि रोमन रेंस की पुश है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिकॉज फैंस उसे हेट करते हैं और कंपनी उसे ध्यान से सुनेगी और उसके बाद रोमन रेंस की जगह किसी और स्टार को उठा देगी। और WWE को जैसे पता होगा, यानी कि उस टाइम की WWE को पता होगा कि ब्रॉक लेसनर प्रॉफिटेबल है, तो WWE जो कि है वो ब्रॉक लेसनर को कभी भी जाने ही नहीं देगी और परमानेंटली ब्रॉक लेसनर से लड़वाएगी, और मेरे हिसाब से उसे बना देगी फ्री एजेंट, जो कि रॉ पर भी स्मैकडाउन पर भी लड़ेगा और हर हफ्ते लड़ेगा। इस चीज के चलते चलते जो कि काफी ज्यादा नुकसान होंगे, डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस, ब्रॉन स्ट्रोमैन को छोड़कर बाकी जो जितने भी मिड स्टार रेसलर्स हैं उनको WWE जो कि बिल्कुल दबा देगी, और जो कि एवरेज स्टार जिनकी की काफी ज्यादा रेटिंग है उनको WWE बहुत अच्छे तरीके से उछाल देगी। हालांकि वो WWE को बिल्कुल अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी बना देगी, बट वो कंपनी फैन फेवरेट कभी भी नहीं रहेगी। इस वजह से आप सब प्रे ही कीजिएगा कि कभी WWE बिके ना, बिकॉज अगर कभी भी WWE बिक जाती है तो अभी के लिए WWE हमारी जिस बातों की है, बट तब सिर्फ WWE प्रॉफिट के लिए होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, यहां तक वीडियो देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं हूं अरमान।